हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि बुककीपिंग और अकाउंटेंसी होती क्या है। बुककीपिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, बुक एंड कीपिंग। बुक रेफर करता है कि मेंटेन करना बिजनेस की बुक्स, एंड कीपिंग रेफर करता है कि उनको सिस्टमेटिक वे में रखना और उसको डे टू डे अपडेट करते रहना। सो ठीक है ना, अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो बुक कीपिंग इज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से बुक्स, बिजनेस की बुक्स को मेंटेन करना ताकि आप उसको अच्छे से, जब भी आपको उसकी नीड हो तो आप उसको रिव्यू कर सके। ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग बुक कीपिंग का। अब अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी जो है वो बुक कीपिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर देती है, मतलब थोड़ा और बढ़ा देती है। बुक कीपिंग जहाँ पे उसका मेन एम होता है कि उसको बिजनेस को रिकॉर्ड करना, उस बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डेड करना, वहीं अकाउंटिंग का मेन एम होता है कि उस रिकॉर्डिंग को क्लासिफाई करना और फिर उसको समराइज करना, शॉर्ट फॉर्म में देना। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, डिफरेंसेस से आपको और क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मीनिंग तो पता लग गया। बुक कीपिंग का मीन है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग का मीन है कि उसको सिस्टमेटिक वे में समराइज करना। अब उसके नीड्स देख लेते हैं कि नीड्स का, बुक कीपिंग के नीड्स और अकाउंटेंसी की नीड। नीड ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बींग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। जैसे कि सबको पता है कि कोई भी एक इंसान अपनी बहुत सारी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में नहीं रह सकता, बिकॉज ह्यूमन बींग की शॉर्ट मेमोरी होती है और कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करके रखे तो वहाँ पे हम ज़्यादा देर तक स्टोर आउट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अगर रिटर्न में हो तो उसको भी स्टोर आउट कर सकते। दैट्स वाई बुक कीपिंग इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, एवरी बिजनेस वांट्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल परचेज। हाँ, हर बिजनेस अपनी ट्रांजेक्शन को जानना चाहता है कि उसने कितनी परचेज की, कितनी सेल की, उसके डेटर कितने, क्रेडिटर कितने, खर्चे कितने हैं, प्रॉफिट कितना है। तो दैट्स वाई भी बुक कीपिंग ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, कंपेरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन। हाँ जी, अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन हो गए तो हम एक साल के डाटा को दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सके और बिजनेस की पोजीशन गेन कर सकते हैं कि पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ, या अब हमारा एनहांसमेंट हुआ या नहीं हुआ। इसलिए भी बुक कीपिंग ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस पॉलिसीज, बजटिंग, कास्टिंग। बुक कीपिंग हमारी पॉलिसीज वगैरह भी प्लान करने में हेल्प करती है फॉर टैक्स पर्पस। हाँ, अगर हमारे पास प्रॉपर मेंटेन बुक्स होगी तो हम अपनी बुक्स को हम टैक्स पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअल में कितना टैक्स बनता है। ठीक है, वहीं पे अब हम देखेंगे कि हमारी नीड्स क्या हैं अकाउंटिंग के लिए। तो अकाउंटिंग की नीड्स हमें कहाँ पे चाहिए होती हैं? फाइनेंशियल हेल्थ, हम कितने फाइनेंशियली हेल्दी हैं, बिजनेस हमारा फाइनेंशियली प्लानिंग, हम अपने फाइनेंस की प्लानिंग कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं। बजटिंग आपको और आगे, इसका एक पूरा चैप्टर है, बजटिंग का मीन होता है कि आप बजट बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी हो गई नीड्स। अब लास्ट में हम आपको इनका डिफरेंस करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। सो बुक कीपिंग का फर्स्ट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द आर्ट एस्पेक्ट। ये एज अ आर्ट है कि आप किस तरीके से बुक को मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग है साइंस है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके अपनी अकाउंटिंग बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ एन एलिमेंट्री स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे पहले स्टेज, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं इसे, इनिशियल स्टेज। ठीक है, और अकाउंटिंग जो है वो सेकंड स्टेज आती है, क्योंकि अगर हमारे पास बुक प्रिपेयर ही नहीं होगी तो हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है।
इट लीड्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम बुक कीपिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अकाउंटिंग में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, वर्क ऑफ बुक कीपर इज क्लैरिकल इन नेचर। उसका जो वर्क है बुक कीपर का वो क्लैरिकल वर्क है, बट जो अकाउंटेंट का वर्क है वो स्पेशलाइज वर्क है। क्लैरिकल इन द सेंस कि बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटेंट कर सकता है। ठीक है, अब बुक कीपिंग है एन एलिमेंट्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द बुक। हम उसको एलिमेंट्री नॉलेज चाहिए होगी, जनरल लेजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, बट अकाउंटिंग के लिए जैसे मैंने बोला कि वो एक सीए करेगा तो उसके लिए उसको हायर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे बनाया जाता है जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होता है, बट अकाउंटिंग जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सेम नहीं होती। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस इन डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, बुक कीपिंग का इन्वॉल्व क्या है कि वो फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे, बट अकाउंटिंग का है कि उसको समराइज करना, उसको कम्युनिकेट करना बिजनेस के रिजल्ट को टू द आउटसाइडर्स। ठीक है, अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बता देती हूँ ताकि आपके पास थोड़े मोर पॉइंट्स हों, आप और अच्छे से क्लियर आउट हो सकें। तो इसका देखो, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट है कि हम प्रॉपर बुक्स मेंटेन करें। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है कि हम अपने रिजल्ट को अपने जो यूज़र्स हैं आउटसाइडर यूज़र्स इंटरनल यूज़र्स उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है वो किसी को प्रोवाइड नहीं की जाती बुक कीपिंग की, बट अकाउंटेंट जो है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।